नमस्कार दर्शक बंधु, स्वागत करुछि आपण मानक मो चैनल एसएनआर ओडिया भॉइस रे। दर्शक बंधु, आज ये वीडियो रे मु कहिबी कि हिंदू पुराण अनुसार शिवलिंग रे चढ़ा जाइथिबा बेलपत्र खाइले कौन लाभ होइथाए। जदि आपण आपणक जीवन रे दुख रे रहुछंती, अनेक गुड़िए असुविधार सामना करुछंती, दरिद्रता आपणक पिछा छाड़ूना, गरीब अवस्था आपण को कष्ट देउछि, तेबे केमिति एक बेलपत्र आपणक सबु समस्यार समाधान करिपारिब। हिंदू पुराण रे कुहा जाइछि जे बेलपत्र तीनि मास पर्यंत बासी होइनथाए। जदि आपण गोटे बेलपत्र प्रतिदिन शिवंक उपरे चढ़ाउछंती, तो से बेलपत्र को धोई पुणी थरे शिवलिंग उपरे चढ़ाई पारिबे। बेलपत्र महादेव को चढ़ा जीवा पछरे एक पौराणिक कथा लुचि रहिछि। बेलपत्र सबुठु पवित्र बोली माना जाए। बेलपत्र आपणक जीवन रे बरदान भली काम करिथाए। तेबे एहा पछर कथा को ध्यानर सह सुणंतु। जेतेबेले समुद्र मंथन चालीथिला, सेथिरु अनेक बहुमूल्य जिनिस समुद्र गर्भरु बाहरिथिला, एहा सो अनेक खराब जिनिस मध्य बाहरिथिला। समुद्र मंथनरु हलाहल विष मध्य बाहरिथिला, जहा पूरा सृष्टि को बर्बाद करि पारिथांता। किंतु से समय रे महादेव प्रकट होई से विष को पान करिथिले, एहा फळरे तांको कंठ नील पड़ी जाइथिला, सेइथि पाई तांकु नीलकंठ बोली कुहागला। विषर प्रभाव रे महादेवंको शरीरर तापमात्रा धीरे धीरे बढ़िबाकु लागिला, जेउथि पाई आखपाखर सृष्टि मध्य उत्तप्त होई उठिला। एहा को नै देवता माने अनेक वैद्यंक सह संपर्क कले एवं से माने कहिले कि भगवान शिवंकु बेलपत्र सेवन कराइबाकु पड़िब। जेते जण देवादेवी थिले से माने समस्ते भगवानंकु बेलपत्र सेवन कराइले एवं महादेव बेलपत्र सेवन करी सारी बेलपत्र मिसा जलरे स्नान मध्य कले। एहा परे महादेवंक शरीर धीरे धीरे शीतल हेबाकु लागिला। सेही दिन ठारु बेलगछ उपरे महादेवंक कृपा ओ आशीर्वाद रहिला। महादेव बेलगछरे निवास मध्य कले। एमिति किछि हिंदू पुराण रे लेखा अछि। बंधुगण, बेलगछर महत्व विषय रे जदि आपण जानिजिबे, तेबे आपण निज जीवन रे थिबा समस्त समस्यारु मुक्ति पाइजिबे। बंधुगण, जदि आपण बेलपत्र को भगवान शिवंकु चढ़ाउछंती, तो आपण को आपणक जीवन रे अनेक चमत्कारी शुभ फल प्राप्त हेबो। अनेक लोक शिवंकु बेलपत्र तो चढ़ाई थांती, किंतु से माने समस्ते बेलपत्र चढ़ाइबार सठिक नियम को जाणी नथांती। जदि आपण महादेवंकु बेलपत्र चढ़ाउछंती, तो ध्यान रखंतु जे छिद्र थिबा किंबा फाटी जाइथिबा बेलपत्र भूल रे भी महादेवंकु चढ़ांतु नाही। बेलपत्रर मूल भाग को हाथरे छिंडी देवा परे जाई बेलपत्र को चढ़ांतु एवं बेलपत्र को भल भाव शुद्ध जलरे धोई देई शिवलिंग रे अर्पण करंतु। छिंडी जाइथिबा किंबा छिद्र थिबा एवं खंडित होइथिबा कौनसी वस्तु महादेवंकु चढ़ा जिबा उचित नुहे। एमिति कि जेउ अरुआ चाउल महादेवंकु आमे चढ़ाई थाउ, ताहा मध्य खंडित हेबा उचित नुहे। सेइथि पई देवता मानंकु अक्षत चढ़ाइबा पई कुहा जाइथाए। अक्षत अर्थात भांगी नथिबा अरुआ चाउल। पौराणिक शास्त्र अनुसार मान्यता अछि जे आपण प्रतिदिन गोटे बेलपत्र महादेवंकु चढ़ाइले आपण निज जीवन रे सबु असुविधारु मुक्ति पाई परिबे। बंधुगण, जदि आपण महादेवंक भक्त होइथिबे, तांकु प्रतिदिन बेलपत्र चढ़ाइबे, तेबे आपणंकु आपणंक जीवन रे केबे भी टंका पैसार अभाव हेबो नाही। आपण श्रद्धा और भक्तिर सह महादेवंकु पूजा कले निज जीवन रे सबु प्रकारर दुख कष्टरु मुक्ति पाई परिबे। पूजार विधि मध्य मु ए वीडियो माध्यम रे आपणंकु कहिबी। सबु किछि जानिबा पई वीडियो टिकु शेष पर्यंत निहाती देखंतु एवं सत मनरे श्रद्धारे कमेंट बॉक्स रे हर हर महादेव लेखि दियंतु। बेलपत्र चढ़ाइबार विधि विधान रही अछि। केते बेले बेलपत्र तोळीबा उचित, ताहा मध्य ए वीडियो माध्यम रे मु कहिबी।
सकाळ समयरे बेलपत्र तळिबा उचित एवं दिन 12टा परे कदापि भी बेलपत्र तळंतु नाही। किछि निर्दिष्ट दिन जेमिति कि संक्रांति, अमावास्या, अष्टमी, नवमी आदि तिथि रे बेलपत्र तळिबा उचित नुहे। मान्यता अछि जे बेल गछर मूल भागरे ब्रह्मा, मध्य भागरे विष्णु एवं अग्र भागरे महादेव निवास करंती। सेइथिपाई प्रतिदिन सकाळु तुलसी गछरे पानी देबा सह बेल गछरे मध्य जल चढ़ाइबा उचित। बेल गछ उठिबा पछरे मध्य एक पौराणिक कहानी अछि। पुराण अनुसारे माँ पार्वतींकर अश्रु मध्यांचल पर्वतर जेउ स्थानरे पड़िथिला सेही स्थानरे बेल गछ उठिथिला। दर्शक बंधु आपण जानंती जे बेलपत्र खाइबार अनेक फायदा रहिअछि। बंधुगण जदि आपण माने निज जीवनरे अनेक कष्ट दुखरे कालातिपात करुछंती तेबे ए सबुरु आपण मुक्ति पाइजिबे जदि पौराणिक कथाकु विश्वास करिबे एवं शास्त्रकु सत मनरे मानिबे। शिवलिंगरे चढ़ा जाइथिबा बेलपत्र खाइले आपण अनेक रोगरु मुक्ति पाइजिबे। अनेक रोगरु मुक्ति पाइबा पई बेलपत्र एक रामबाण औषध अटे। बात पित्त कफ समस्यारु मध्य बेलपत्र आपणकु मुक्ति देई पारिबो। एहा व्यतीत शिवलिंगरे चढ़ा बेलपत्र सेवन कले आपण पापरु मुक्ति पाइजिबे। साधारण भाषा रे जदि कुहाजिब जे आम भितरु अनेक लोक अछंती जेउ माने माछ, मांस, अंडा आदि तामसिक भोजन ग्रहण करिथांती एवं गोटे समय एमिति आसे किंबा वृद्धावस्था समय रे सेमाने अनुभव करंती कि जे माछ, मांस, अंडा खाई सेमाने अनेक पापर भागीदार होइछंती ओ सेमाने से सबु खाद्य छाड़ी देइथांती किंतु तांको मनरे रही थाए कि सेमाने पाप करिछंती। एमिति पापरु मुक्ति पाइबाकु चाहुथिले आपण सात सोमवार व्रत पालन करिबे एवं प्रत्येक सोमवार शिवलिंगरे चढ़ा बेलपत्र सेवन करिबे। तेबे जाइ आपणको उपरे जेउ जीवजंतुकु खाइबार पाप लागिछि ताहा समाप्त होइजिबो। महादेवंकु भोला शंकर बोली एइथिपाइ कुहाजाए कि प्रकृतरे से भोला अटंती। मणिषर पापकु से खूब शीघ्र क्षमा करि दियंती, तांकु सहजरे प्रसन्न करि हुए। सेइथिपाइ आपण सत मनरे महादेवंक पाखरे क्षमा प्रार्थना करंतु ओ महादेवंकु भक्ति करंतु। आशा करुछि भिडियोटी निहाति आपणकु किछि शिक्षा देइथिबो। भिडियोटी भल लागिथिले मो चानेलटिकु सब्सक्राइब करी भिडियोकु गोटे लाइक निहाति करि दियंतु। रहुछि, धन्यवाद।